हाय एवरीवन, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं टाइप्स ऑफ ऑर्डर्स के बारे में। तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये चार तरीके के ऑर्डर टाइप्स जो हैं वो ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स काफ़ी ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो सीधा चलते हैं ऑर्डर विंडो की तरफ और देखते हैं कि अगर हमें इन ऑर्डर टाइप्स का यूज़ करके किसी शेयर को बाय या सेल करना है तो वो हम कैसे करेंगे और कौन सा ऑर्डर प्लेस करने से क्या होगा, यानी कि इन ऑर्डर टाइप्स के बीच में आपस में क्या डिफरेंस है। तो एग्जांपल के लिए हमने लिया है टाटा मोटर्स को। टाटा मोटर्स का जो शेयर है वह भी एनएससी और बीएससी दोनों पे 425 रुपये 35 पैसे का है। हमको जो भी खरीदना होगा वो या तो हम एनएससी से खरीदेंगे या फिर बीएससी से। तो मैं अभी इसको एनएससी पे सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पे हमें डालनी है क्वान्टिटी कि हम टाटा मोटर्स के कितने शेयर खरीदना चाहते हैं। तो यहाँ पर मैं डाल देता हूँ 250 कि मुझे टाटा मोटर्स के 250 शेयर खरीदने हैं। अब बात आती है कि कितने समय के लिए खरीदने हैं। तो यहाँ पर हमारे पास दो ऑप्शन है। पहला है एमआईएस यानी कि मार्जिन इंट्राडे स्क्वायर ऑफ। अगर इस शेयर को मैं सुबह खरीद के शाम को ही बेच दूंगा तो मैं क्या करूंगा, एमआईएस यानी कि इंट्राडे पे सिलेक्ट करूंगा। इस केस में क्या होगा कि मेरे ब्रोकर को ये पता है कि मैं ये जो शेयर है ये सुबह लेके शाम को ही इसको बेच दूंगा, तो इसलिए वो मुझे लिवरेज देगा, यानी कि मुझे ये शेयर के पूरे पैसे नहीं देने पड़ेंगे, मुझे केवल एक मार्जिन ही देना पड़ेगा थोड़ा सा। लेकिन वहीं लॉन्ग टर्म यानी कि सीएनसी की बात करें तो इस केस में क्या होता है कि हम शेयर को खरीद के अपने डीमैट अकाउंट में रख रहे होते हैं यानी कि लॉन्ग टर्म के लिए। तो इसमें हमारे ऊपर कोई भी समय की पाबंदी नहीं होती है, चाहे हम कितने भी समय तक इस स्टॉक को अपने पास रख सकते हैं। तो इस केस में अगर मैं लॉन्ग टर्म पे करता हूँ तो मुझे इसके पूरे पैसे देने पड़ेंगे। अगर मैं 250 शेयर टाटा मोटर्स के खरीदूंगा तो मुझे 106,337 रुपये देने पड़ेंगे। वहीं अगर मैं इसको इंट्राडे में खरीदता हूँ, आज खरीद के आज ही बेच दूंगा, तो मुझे केवल 21,267 रुपये ही देने पड़ेंगे। तो यहाँ पे हमें टाइम ड्यूरेशन अपना बताना पड़ेगा। तो मैं अभी इसको इंट्राडे पे कर लेता हूँ यानी कि हम इसको आज खरीद के आज ही बेचने वाले हैं। अब तक हमने तीन चीज़ें बता दी है। सबसे पहला कि हमें कहाँ से खरीदना है यानी कि एनएससी से, कितना खरीदना है 250 शेयर खरीदने हैं, और कितने समय के लिए खरीदना है यानी कि इंट्राडे में खरीदना है। लेकिन अभी तक हमने जो एक चीज़ नहीं बताई है वो है प्राइस, कि हमें किस प्राइस पे इसको खरीदना है। यहाँ पे हमारे पास दो ऑप्शन है, पहला है मार्केट प्राइस और दूसरा है लिमिट प्राइस। इस शेयर को हम किस प्राइस पे खरीदना चाहते हैं, मार्केट प्राइस पे या लिमिट प्राइस पे। तो अगर मैं इसको मार्केट प्राइस पे खरीदना चाहता हूँ, जैसे मैं मार्केट पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे क्या है, मार्केट प्राइस अभी चल रहा है 425 रुपये 35 पैसे। तो मेरा जो बाय ऑर्डर है वो 425 रुपये 35 पैसे के आसपास में जाके एग्जीक्यूट होगा। मैं बाय कर रहा हूँ तो मुझे एक सेलर की ज़रूरत है, तो 425 रुपये 35 पैसे के आसपास में जो भी सेल करने को तैयार होगा उस पर जाके मेरा ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा। अब इस केस में आपको एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि इसमें प्राइस की कोई गारंटी नहीं है। हो सकता है कि मेरा ऑर्डर 425 रुपये 35 पैसे के बजाय 426 रुपये पर जाके एग्जीक्यूट हो या 426 रुपये 50 पैसे पर जाके एग्जीक्यूट हो, वो नीचे भी हो सकता है, लेकिन प्राइस की कोई गारंटी नहीं है। अगर आप मार्केट प्राइस पे खरीदने के लिए तैयार हैं यानी कि थोड़ा ऊपर नीचे पैसा देने के लिए तैयार हैं तभी आपको मार्केट ऑर्डर यूज़ करना है। वहीं लिमिट ऑर्डर में हम ये लिमिट कर सकते हैं कि मुझे शेयर को किस प्राइस पे जाके ही खरीदना है। मान लेते हैं कि मैं यहाँ पर डाल देता हूँ कि 421 रुपये। तो होगा क्या, अगर मैं इसका बाय ऑर्डर डाल दूंगा तो जब तक ये शेयर 421 रुपये पर नहीं आएगा तब तक मेरा ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं होगा। लेकिन इसका एक डिसएडवांटेज ये भी है कि अगर 425 रुपये से 421 रुपये पर आता ही नहीं है तो मेरा ऑर्डर कभी एग्जीक्यूट ही नहीं होगा, मैं इनको बाय ही नहीं कर पाऊंगा, ये पेंडिंग में ही रह जाएगा। तो आपको क्या करना है कि जब भी आप लिमिट ऑर्डर यूज़ करें तो आपको ज़्यादा दूर की लिमिट सेट नहीं करनी है। अगर मैं 424 रुपये डालता हूँ तो 425 से 424 पे आने के चांसेस ज़्यादा है, तो इस केस में मेरे जो लिमिट ऑर्डर एग्जीक्यूट होने के चांसेस है वो भी ज़्यादा हो जाएंगे। तो यही है मार्केट ऑर्डर और लिमिट ऑर्डर यानी कि किस प्राइस पे खरीदना है, मार्केट प्राइस पे या लिमिट प्राइस पे। और अब बात करते हैं स्टॉप लॉस ऑर्डर की। तो स्टॉप लॉस ऑर्डर दो तरीके के हैं, पहला स्टॉप लॉस लिमिट ऑर्डर और स्टॉप लॉस मार्केट ऑर्डर। तो स्टॉप लॉस ऑर्डर हम लगाते ही कब है, जब हमारे पास कोई शेयर पड़े हैं ऑलरेडी। तो इसको मैं एक एग्जांपल से समझाता हूँ। मान लेते हैं कि हमने 425 रुपये 35 पैसे पे किसी शेयर को खरीद लिया है, खरीद रखा है पहले से ही, और मेरा एनालिसिस ये है कि ये जो शेयर है ये 450 रुपये 460 रुपये पर जा सकता है, ठीक है, लेकिन ये अपोजिट पे तो जा सकता है, हो सकता है कि 425 से नीचे चला जाए। तो मैं क्या करूँगा, एक लिमिट सेट कर दूंगा कि हाँ मैं इससे ज़्यादा लॉस नहीं ले सकता हूँ, तो मैं पहले से ही एक सेल ऑर्डर लगा दूंगा जिसको हम बोलते हैं स्टॉप लॉस ऑर्डर। और वहीं अगर हमने पहले से सेल कर रखा है तो तब हम बाय स्टॉप लॉस ऑर्डर लगाएंगे। तो जैसे ही मैं स्टॉप लॉस लिमिट ऑर्डर पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर दो प्राइस आ जाती है। पहली ये कि किस प्राइस पर जाके मेरा ऑर्डर ट्रिगर होना चाहिए, यानी कि मैं डाल देता हूँ 424 रुपये और यहाँ पे डाल देता हूँ 423 रुपये। तो 424 पे जैसे ही ये प्राइस जाएगा तो मेरा सेल ऑर्डर ऑटोमेटिकली ट्रिगर हो जाएगा और एक्सचेंज में चला जाएगा इस प्राइस पे एग्जीक्यूट होने के लिए, यानी कि 423 रुपये पे। तो इस केस में मुझे पता है कि अगर मेरा सेल ऑर्डर एग्जीक्यूट होगा तो वो 423 रुपये पे ही होगा, उससे नीचे नहीं होगा।
वहीं स्टॉप लॉस मार्केट ऑर्डर में आपको केवल एक ही प्राइस डालना पड़ेगा, वो है ट्रिगर प्राइस। तो अगर मैंने 424 डाल दिया तो जैसे ही 424 पे आएगा मेरा स्टॉप लॉस ऑर्डर ट्रिगर हो जाएगा और मार्केट में एक मेरे जो जितने भी शेयर है वो मेरा ब्रोकर सेल कर देगा मार्केट प्राइस पे, जो भी मार्केट प्राइस उस टाइम पे चल रहा होगा उसके ऊपर। तो अब बात करते हैं एमओ यानी कि आफ्टर मार्केट ऑर्डर के बारे में। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारा जो मार्केट है वो सुबह 9:15 से लेकर 3:30 बजे तक चालू रहता है। 9:15 से पहले के 15 मिनट को हम प्री मार्केट सेशन बोलते हैं। तो सुबह 9 बजे से लेकर 3:30 बजे तक में हम रेगुलर ऑर्डर का यूज़ करेंगे बाय सेल करने के लिए। लेकिन 3:30 बजे के बाद अगर हमको कोई भी चीज़ बाय या सेल करनी है तो हमको AMO यानी कि आफ्टर मार्केट ऑर्डर प्लेस करना पड़ेगा, वरना हम कोई भी बाय सेल नहीं कर पाएंगे। AMO के केस में आपको क्या करना है आफ्टर मार्केट ऑर्डर के केस में, कि आपको सिंपली AMO पे क्लिक करना है और वही सारी चीज़ें जो हमने स्टार्टिंग में डिस्कस की है वही सारी चीज़ें यहाँ पे फिल कर देनी है, किस प्राइस पे खरीदना है, कितनी क्वांटिटी खरीदनी है, कब तक के लिए खरीदना है वगैरह वगैरह, और सिंपली आपको बाय पे क्लिक कर देना है। तो क्या होगा कि आपका आफ्टर मार्केट ऑर्डर मार्केट में एग्जीक्यूट हो जाएगा। और आफ्टर मार्केट ऑर्डर के केस में आपको ये ध्यान रखना है कि मार्केट ऑर्डर अगर आप लगाते हैं AMO में मार्केट प्राइस पे खरीदते हैं तो आपके फिल होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, वहीं लिमिट ऑर्डर के कम रहते हैं।